भोरे में मैं पहुंच गया हूं और यहां पर भी आपको लोधी वंश की कई सारी कलाकृति देखने को मिलेगी। लोधी वंश के बारे में मैंने अपने डियर पार्क के वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ था, तो इस मकबरे को भी हम देखते हैं कि किस प्रकार की कार्यशैली उस समय थी जो कि आज भी एक बेजोड़ कलाकृति का नमूना है। एंडरसन की सूर्य घड़ी तक मैं पहुंच गया हूं। एंडरसन बेसिकली पुरातत्व विभाग के अधीक्षक थे, तो उन्हीं के सुवेनियर में ये वॉच बनाई गई थी और ये अभी भी एग्जैक्ट टाइमिंग दिखा रही है। टाइमिंग का डिटेल मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सही टाइम दिखाती है रोमन में। तो यहाँ पे ये आर्क जिस से उन्होंने स्मॉल सन डायल का निर्माण करवाया है, इसमें रोमा जी में है, देखिए उधर से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, तो 10:05 ऐसी हो रहा है 10 बजा है, क्योंकि 12 बजे के पहले इस तरफ से टाइम देखेंगे और 12 बजे के बाद हम इधर से टाइम देखेंगे, ठीक है। और नहीं तो यहाँ भी साइड आया हुआ है 11 o'clock यहाँ हो रहा है, लेकिन 11 नहीं, क्योंकि 12 बजे के पहले एम में लेफ्ट साइड से टाइम देखते हैं, आफ्टर 12 o'clock वी लुक फ्रॉम राइट लेफ्ट साइड, 9 बजे राइट साइड 10 o'clock। और उनका कहना था कि परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश हमेशा रहता है, और यही विशेषता है इस टाइम वॉच की। विशाल काय दरवाजा की एंट्री में हैं हम और इसकी कलाकृति को देखते हैं। बोलते हैं कि बहुत ही खूबसूरत दरवाजा बनाया गया था ये।
डॉक्टर साहब, मॉर्निंग वॉक में हम निकले थे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऐसी पुरातत्व धरोहर जगह पे आने के बाद? ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और हाँ, हम तो एक इसे सुबह मॉर्निंग वॉक के तौर पर ही यहाँ पर आए थे, बट हाँ, हमने साथ में आते आते हमने काफ़ी सारा लिटरेचर सर्वे कर लिया था, तो हमें यहाँ पे सभी चीज़ों को आसानी से लोकेट करने में और जिस तरह की यहाँ पे नक्काशी और कारीगरी की गई है उसमें हर तरह की सभ्यताओं का एक वर्णन सा इतिहास भी है, कोशिश की गई एक दूसरी सभ्यताओं को मिटाने की, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और हर एक सभ्यता का जो समागम है काफ़ी सुंदर है। और आप यदि यहाँ पे स्क्रिप्ट को मैं कहूँगा यदि ज़्यादा ठंड ना हो तो आप सुबह के टाइम पे यदि करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर अनुभव, ताकि दो तीन घंटे में सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकें और आपको ज़्यादा भीड़ भड़कता भी नहीं मिलेगा और काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन आप यहाँ लोकेट कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आयरन पिलर के बारे में भी हमें वो रहस्य बताया जिसको अभी आपके रहस्य आपके बताने से हमारे सारे दर्शक उसके बारे में जान चुके हैं। हमारा हमने सारा कुतुब मीनार घूम लिया है और निकलने का टाइम है, तो ऑलमोस्ट अभी 10 बज गया है और इस टाइम पर्यटक में आए हुए लोगों की भीड़, टिकट काउंटर में लगी हुई भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मॉर्निंग में आ जाएंगे तो इतना भीड़ देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो गई है, तो मॉर्निंग में आएँ और बहुत अच्छे से हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं तो निकल रहा हूँ अभी, तो बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे साथ यात्रीगण में। वॉच यात्री।